हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मानसी। एंड गाइस, आज का रिएक्शन होने वाला है तला अंजुम के फैंस के लिए, बिकॉज आज रिएक्शन है कोक स्टूडियो सीजन 14 ये दुनिया, जिसमें की है कराकोरम एक्स तला अंजुम एक्स फारिस साफी। ऑब्वियसली बात है, हमेशा की तरह बाकी दो को मैं नहीं जानती हूँ, तला अंजुम को मैं जानती हूँ, बट फिर भी देखते हैं कैसा है वीडियो। इसके लिए बिना टाइम वेस्ट किए गाइस स्टार्ट कर देते हैं रिएक्शन वीडियो। ओके, कोक स्टूडियो सीजन 14 चेहरे बदल दे जाएंगे, चलती जाएगी, चलती जाएगी ये दुनिया, रुकती है कहाँ। जो कि कराकोरम है, इनकी वॉइस एकदम डीप सी है। हिम्मत वो जो था ना, एक वो सिंगर जो पतला हो गया था, अदनान, अदनान सामी सामी अदनान सामी की तरह बिल्कुल इनकी वॉइस लगी मेरे को सुनने में एक पल के लिए। किसी के भी स्टार्टिंग में चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही, दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, पलती रही। राइट राइट राइट, मतलब शुरुआत ही एकदम वो होगी कि दुनिया बदलती है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दोबारा सुन लेते हैं भाई। तला अंजुम का आवाज ऑब्वियसली चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही, दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, पलती रही। दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक, अफसोस नहीं के। वाह वाह वाह, राइमिंग स्कीम देख रहे हो, होश से लेके मदहोशियों तक, खामियों से लेकर क्या वर्ड बोला था वो, मतलब राइमिंग स्कीम A1 है यार। अफसाने लिखे वो अफसाने मबनी है जिंदगी, कोई गलती नहीं, पलती रही। दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक, अफसोस नहीं के। अफसाने लिखे वो अफसाने मबनी अफसुर्दगी पर, खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर, खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब। दर्द दिल में कि दर्द है यार, अंजुम के दिल में सच में दर्द है। दोबारा सुनो। होशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक, अफसोस नहीं के। अफसाने लिखे वो अफसाने मबनी अफसुर्दगी पर, खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर, खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब। क्यों रही बहार की कमी बस, किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। राइट, किस्मत हमारे ही हाथ में, किस्मत इंसान खुद मिला बनाता है, जो उन्होंने बनाई है अंजुम और यूनुस ने मिलकर। कहां से कहां गुजर गए वो घर भी जल चुके, वहां कुछ नहीं, वहां से अब गर्द उठे, जख्म तो भरेंगे दोस्त। ये जो बात कर रहा है अंजुम अपने घर की बात कर रहा है, शायद कि उस टाइम पे जो दंगे फसाद हुए थे, कुछ इस तरह से कुछ हुआ था कि घर वगैरह जले थे। शायद पहले भी इन लोगों ने अपने उसमें बोला है कई बार इस तरह की कहानी, दर्द भरी कहानियां, वही यहाँ पर कीमत हमने शिफा है। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ से अब दर्द उठे, जख्म तो भरेंगे दोस्त। वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर, फैले ना हाथ, हमारे बस यही दुआ है, कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोक स्टूडियो के लिए जो रैप वर्स बनाया है अंजुम ने, वो बहुत सिंपल रखा है। मतलब कोई भी आम आदमी जो रैप नहीं सुनता है, वो भी इसको आराम से समझ सकता है, वरना अंजुम का वर्स समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है। बदलते जाएंगे, चलती जाएगी वॉइस, चलती जाएगी। अंतरा देखो उस बंदे का अंतरा, जो ऊपर के नोट जा रहे ना, जो ये मतलब सच में अदनान शामी की तरह मेरे को वॉइस लगी। किसी के एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी भाई टेक वन। ओके ओके, ये आई थिंक है फारिस साफी है। ओके पहली बार सुन रही हूँ तो इसीलिए थोड़ा ध्यान सुनना पड़ेगा, दोबारा से देख लेते हैं। एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी भाई टेक वन। कहा सुना, माफ कीजिएगा, शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप। शालीमार गार्डन में 5:30 के लिए मेरे सूट के लिए हेयर एंड मेकअप। मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर, गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक द बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं इस मत झुकता ही, कैसे किस्मत खुल आई, आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट,
जिवे बादशाह दे बैद दमाशन मैं मेरा इंस्टिंक्ट एनिमलिस्टिक मैड मैजिशियन या मैथमेटिशियन आई नेवर टेक सेकंड पोजीशन बाय 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 फ्लो 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 एकदम बंदा भाग रहा है कान से मैं किस्मत चुगताई कैसे किस्मत खुल आई आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट जिवे बादशाह दे बैद दमाशन मैं मेरा इंस्टिंक्ट एनिमलिस्टिक मैड मैजिशियन या मैथमेटिशियन आई नेवर टेक सेकंड पोजीशन आई एम गेटिंग बिलिस्टिक कैटेगरिस्मिक बिल्कुल असली देखो मेटिकुलसली लव्स मेरे मेडिसिनल से लव किया मैंने कलम से सच बोला मैंने कसम से रंग देखो कैसे बदलते दिखते हैं बंदे मैं पहली बार सुन रही हूँ एंड मैंने बोला था भी आप लोगों से ना थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अंजुम के वर्स आज बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है और देन इनकी वर्स सुना है भाई क्या वर्ड वर्ड के साथ खेल रहा है यार ये बंदा देखो ना कि वर्ड किस तरह से घुमाया गया है देखो option but to keep flowing keep the toxic out of my zone tucking the sharif up me off of my throne but before I gotta go let me tell you this one thing I need you to know if you ever need a friend you can call my phone aap kabhi dost ki zarurat ho to aap mujhe phone kar sakte ho bhalai bhalai dikhai achhi baat hai you are not alone और नंबर तो दो फोन करने के लिए पॉप म्यूजिक का जो तड़का लग रहा है ना गिटार विटार के साथ पै 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 वो अलग ही मतलब बीच में एकदम वाइब अलग ही क्रिएट कर रहा है सब कुछ मैं कह दूं दिल में है क्या सब कुछ मैं कह दूं बेवजह सब कुछ मैं कह दूं चेहरे बदलते रहे हम इसी शहर में चलते रहे कुछ मैं कह दूं घर था वीरान मेरा और हम अकेले ही चलते रहे भले ये लाइन यार घर था वीरान मेरा और हम अकेले ही चलते रहे ढले शाम और दिन चेहरे दोबारा सुन लेते हैं कंफ्यूजन हो गया चेहरे बदलते रहे हम इसी शहर में चलते रहे कुछ मैं कह दूं वीरान मेरा और हम अकेले ही चलते रहे भले ये शाम अब दिन चले चलो रोशनी की सिर्फ चले अपनी रात पे यकीन मेरा अजाइम मुझे ये अजीम करे हकीम है कलम अलील के लिए कहने को तेरे रफीक तो है फिर पीठ पीछे क्यों ये हरीफ बने अजीब ये चेहरे बदलते हेटर्स के लिए जो लोग पीठ पीछे जो लोग होता है ना कि सामने कुछ और होते हैं पीठ पीछे कुछ और होते हैं कि चेहरे बदलते जाएंगे ऑब्वियसली बात है बदलते भी है चलती जाएगी कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है Cause you are not alone कोई नहीं अगर तेरा मेरी जान खुदा है अगर आपके पास ये बात सच है कि अगर पास कोई नहीं है तो मेरी जान खुदा है खुदा पे भरोसा रखो जरूरत ही नहीं किसी और की आपको मुझे कोई इस सॉन्ग को हजार बार सुनने कोई बोले मैं सुनने को तैयार हूँ बिकॉज जो इसमें पॉप म्यूजिक का रैप के साथ तड़का लगाया गया है बहुत 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 मतलब जो गिटार जो इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ किए गए हैं बहुत पहले इस तरह से यूज़ हुआ करते थे और मतलब यूज़ अभी भी होते हैं बट रैप सॉन्ग में कभी सुना है मैंने इस तरह के बीट वगैरह और वो वगैरह बिकॉज कोक म्यूजिक है तो हो सकता है कि इसलिए यहाँ पर है बट जो भी है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा ये कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है
वाह, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, रैप सॉन्ग भी नहीं कह सकते, बहुत अच्छा सॉन्ग था। मुझे काका कोरम की जो वॉइस है बहुत अच्छी लगी, और जो थर्ड पर्सन थे ना, मैं नाम भूल जाती हूँ यार, क्या नाम था, फारिश साफ़ी का, उनका वर्स बहुत कमाल का था, बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा वर्स उनकी तरफ से, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं है। तो होता है ना कि आपको लगता है कि आप तो जिसको सुन रहे हो आपके लिए वही बेस्ट है, बट बहुत 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 अच्छा था उनका वर्स। अंजुम हमेशा की तरह ऑलवेज उनका वर्स होता ही अच्छा। तीनों की जोड़ी जो मिलकर जिस तरह से तीनों ने अपने अपने वर्स को कंप्लीट किया ना, उसी म्यूजिक के साथ उसको मैच करते हुए, ऐसा भी नहीं कि कोई अपने अपने लय से अलग ही जा रहे हैं भैया। और जो पीछे से वो जो तड़का लगा ना, बैंड ने जो कमाल करा है पीछे से, वो मतलब बिल्कुल 10 में से 20 नंबर में इस सॉन्ग को दूंगी। तो गाइस ये था मेरा रिएक्शन इस सॉन्ग के ऊपर, कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो हिट दी लाइक बटन, और मिलती हूँ आप लोगों को गाइस अगले वीडियो में फिर किसी वीडियो के रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।